वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज वैसे व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि व्लॉग पता कब स्टार्ट कर रही हूँ, 3 बजे आज सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर देना था मैंने, पर कुछ मूड मतलब अजीब सा ही हो रहा था गर्मी की वजह से ना। हम लोग कहीं आए हैं, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ, आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ कि सरसों से जो है वो तेल कैसे निकालते हैं, सरसों के तेल को कैसे निकालते हैं। तो हमारे ना अपनी होती है सरसों, तो फिर हम उसको करने के लिए आए हैं। मैं और हस्बैंड आए हैं, मम्मी पापा नहीं आए क्योंकि हमने बोला हम चल जाते हैं। हम ना सुबह के आए हैं 10 बजे के, तो यहाँ ना रश था, तो इन्होंने बोला हम आपको कि 2 बजे आना। फिर 2 बजे इतनी गर्मी में कहाँ रहना, पर नज़दीक में ना बुआ का घर था तो हम वहाँ चले गए। पूरी दिन ऐसी मेहमानी कर ली ना, खूब रज के मेहमानी कर ली, खाना खाया सब कुछ। और उसके बाद हो गया, अरे गाड़ी, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया हाँ फिर उसके बाद फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला अभी लाइट नहीं है, आप थोड़ा लेट आना। फिर अब 3 बज गए, 3 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गर्मी से देखो आप हालत देख ही रहे होगे मेरी की, गर्मी से कैसी हालत होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सरसों का तेल कैसे निकाला जाता है। सर क्या बोल रही हूँ मैं, सरसों का तेल, सरसों का तेल ठीक बोल रही हूँ, सरसों का तेल सरसों से कैसे निकाला जाता है ना, जो सूखी सरसों होती है, दाने वाली सरसों होती है। तो हम लाए हैं 2 कट्टे, जो एक कट्टा छोड़ दिया है वहाँ पर और एक कट्टा भी गाड़ी में ही है। तो अब चलते हैं, फिर आप लोग भी देख लो कि कैसे कैसे होता है। मैंने तो वैसे 2-3 बार पहले भी देख लिया है, देखा तो यही आके पहले कि ऐसे ऐसे निकलता है सरसों का तेल, क्योंकि यहाँ सरसों अपनी होती है। तो इस बार तो मैं खुद ही आई, मतलब इस बार तो मैं खुद ही करूँगी ज़रा। पहले तो मैं ऐसे दूर दूर से देखती थी ना मम्मी, और जैसे करते थे उसको, साथ में भी रहना पड़ता है क्योंकि जो उससे वो निकलता है ना सरसों का, वो जो साइड में क्या बोलते उसको, खल है ना, खल वो मार्केट में बड़ी महंगी मिलती है वैसे, वो गाय वगैरह पशु वगैरह को देने के लिए होती है गर्मियों के लिए। तो फिर चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। 3 बजे स्टार्ट हो रहा है व्लॉग आज, चलो मैं उठाऊं घर से, तो मैं लाई हूँ वैसे, मैं घर से मैं लाई हूँ गाड़ी तक इस कट्टे को। हाँ इसको इसमें डाल रहा लिफाफे जैसे, कहाँ चमन का फोटो, हाँ ये ना फटा हुआ था कट्टा जब मैं लाई थी ना इसको घर से। चलो मैं इसको आके करूंगी अभी, चलो चलो। भारी था वैसे ये कट्टा भी है ना, मैं लाई इसको कंधे पे खुद, कहाँ है नीचे कहीं, अच्छा चलो फिर। आज का व्लॉग ना मम्मी के फ़ोन में बन रहा है, और जो क्वालिटी दिख रही है ना इसमें कैमरे की, क्योंकि अब मेरा था पहला फ़ोन, और आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ये फ़ोन रखने वाली हूँ और अपना फ़ोन मम्मी को देने वाली हूँ। आज ही शाम को ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मेरे जो फ़ोन में है ना वो वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें। और हाँ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि आज मैं इतनी परेशान हूँ, मैंने सुबह से लगाई है और 3 बार ना मेरी कैंसिल हो रही है, 72% हो के कैंसिल हो रही है वीडियो। पता फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पूरा दिन सुबह से मैं अपना फ़ोन यूज़ तक नहीं कर पाई हूँ, डाटा ख़त्म कर दिया सबका मैंने वाईफाई के थ्रू, हस्बैंड का, मम्मी का, सबका। इसीलिए मेरे पास मम्मी का फ़ोन है और आज मैं उसमें व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था कि अब व्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि फ़ोन तो वीडियो अपलोड पे है। फिर मैं मम्मी का फ़ोन ले आई थी सुबह साथ में, मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। और आज इसकी कैमरा क्वालिटी देख के ना मुझे अपने पहले फ़ोन से ना ऐसे हो गया कि अब मैंने यही रखना है, क्योंकि यही फ़ोन मेरा पहला था और आज मैं मम्मी से वापस मांग लूँगी और मम्मी को अपने वाला दे लूँगी नया वाला। और प्लीज़ ऐसे किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, बहुत 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 सारा, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखा करो मेरे। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ, देखो आप अभी भी अपलोड पे 2 आवर्स रिमेनिंग बोल रहा है, 66% हुई है। और ये पता मेरे साथ कितनी बार हो गया, सुबह आप सोचो कि मैंने सबसे पहले लगाई थी 8:30 पे, वो हुई नहीं, वो 9:30 बजे बंद होगी, फिर मैंने फिर 10 बजे लगाई, फिर वो 12:30 बजे बंद हो गई। अब मैंने ये लगाई है, तब से लगाई है 66%। यहाँ पे ये धान निकल रहा है और अभी कुछ नहीं सुनाई देगा क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा है। यहाँ से ऊपर से इसमें डालते हैं और इधर से इसकी ये बैल्ट घूम रही है, और यहाँ एक बारी में यहाँ आ रहा है, फिर नीचे बिल्कुल साफ होकर नीचे
किस चीज के ये आटे के? अच्छा, और फिर आटा कहाँ निकलेगा? इधर से खुद जाएगा, यहाँ से आगे इधर खुद आएगा। अच्छा 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 आटे वाली मशीन है ये। और अंकल इसका प्रोसीजर समझा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ खुद जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे, फिर इधर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर से घूम के हुए इधर इधर इधर, फिर हाँ ले आओ, फिर यहाँ यहाँ आटा छन के खुद निकलेगा इस साइड के लिए। पहले यहाँ वेट चेक होता है, उसके बाद प्रोसीड होगा इसका काम। 20 किलो निकालने आए ना, पर कैनी गाड़ी में छोड़ा है, कहे में भरेंगे तेल। और जब हम गए दौड़ते हुए क्योंकि लगा दी थी, उसका जो वेट है वो कर लिया है, अब उसको स्टार्ट करेंगे। वैसे इनके पास वर्कर है, जहाँ भी हम पहले गए हैं ना वहाँ पे खुद करना पड़ता था उसको, मतलब बार बार डालना पड़ता था, खुद करना पड़ता था। यहाँ शायद वर्कर है, शायद ना करना पड़े, करना भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, देखते ज़रा कैसे कैसे होता है। आपने आटे वाली मशीन तो देख ली, वो मैंने आपको दिखा दी है, और बहुत सारी मशीन है इनके पास, लकड़ी वाली भी है जो लकड़ी को चिरती है, और अंदर भी कोई मशीन और होगी तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। कंटेनर दिख रहा है जिसमें अंकल पानी डाल रहे हैं, इसमें सरसों डाल दिया, इसको भिगोने के लिए ना शायद हल्का सा पानी डालते हैं। और इसकी मेकिंग हो रही है, इसमें ना हल्का सा पानी डाला है ताकि तब घूमती है शायद मशीन। यहाँ इसकी मेकिंग हो रही है, अभी जो बड़े वाला कट्टा था ना वो इसमें डाला, छोटे वाला अभी है। और इधर देखो ये इसकी बेल्ट घूम रही है, एक साथ चला जाएगा, इतना एक साथ चल जाएगी, सारी चल जाएगी एक साथ। अंकल मुझे बोल रहे हैं कि इसका बहुत ध्यान रखना, और ये बैग ना यहाँ बाहर से कहीं से होल करके, अंकल मुझे बार बार बोल रहे हैं ध्यान रखना बेटा। देखो यहाँ से और यहाँ से ये जैसे जैसे पिस रही है ना, ये यहाँ के लिए आ रही है, इसका जो पहला ये है वो यहाँ है, यहाँ से निकल रही है। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकल रही है, यहाँ जा रही है कहीं नीचे। ये है खड़ जो यहाँ निकलती है पहले, शायद इसको दोबारा निकालने के लिए, मतलब दोबारा इसमें तेल रह जाता है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें तेल रह रहा है बीच बीच में, इसलिए अंकल इसको दोबारा डाल रहे हैं वापस से, ताकि इसमें से अच्छे से तेल निकल जाए सारा, और तेल निकलेगा हमारी इस कैनी में यहाँ पर।
लगी है इधर छन्नी, यहाँ छन्नी लगी है। तो फुल भर गया पर अभी तेल तो बिल्कुल भी नहीं निकला। अब थोड़ा ज्यादा ज्यादा निकलने लग गया तेल। ये वाला तो सलाना अब दोबारा जाएगा इधर, क्योंकि अभी इसमें से ना पूरी तरह से नहीं निकला है। बार बार यहाँ ना शायद मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। जब भी हमने पहले किया है ना तब कवर को तोड़नी पड़ती थी बीच बीच में। अंकल ने दोबारा डाल दिया, वो इससे होगा कि इसमें से जो और भी होगा ना बचा कुचा तेल इसमें वो भी निकल जाएगा। अब ज्यादा ज्यादा निकलने लग गया है तेल। तब तक नहीं, अभी फिर जाएगा ये दोबारा। होने लगा ना ये इसका ये पट्टी खुल गई, अब बंद हो गया सारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना हार्ड होना स्टार्ट हो गई थी। अब ये लास्ट में आ गई है, अब इसको हम भर देंगे, अब नहीं जाएगी वापस, क्योंकि अब इसका ना सख्त हो गया, बिल्कुल सख्त कट्टे में भर गया। अभी टूटनी है जितनी टूटनी, अभी टूटनी है जितनी टूटनी गरम गरम। पता नहीं क्यों छूट रहा है। बार बार छूट रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसे। गई है ओवरफ्लो और यहाँ लग गई है बॉटल। अब तो थोड़ा थोड़ा ही बचा है, बस लास्ट ही। अब इसके बाद पर ये ना बार बार टूट रही है, क्योंकि सख्त होने लग गई है बहुत ज़्यादा। देख लो अब देख, मुझे लग रहा है ना कि थोड़े थोड़े तेल से भी बॉटल भर जाएगी आई थिंक। फिनिश है अब तो, इधर भी कुछ नहीं आ रहा नीचे। हो गया सारा, लगे तो दो घंटे पर हो गया यार, बहुत टाइम लगता है इसमें। मुझे लगा फटाफट से हो जाएगा, पर टाइम तो हमारा ना खनिहार में तो इतनी ज़्यादा टाइम लगता था जब हम खनिहार जाते थे। इस बार तो हम कहीं और आए हैं और
घाट वहाँ आए और इस बार फिर यहाँ नहीं गए, पर यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं लगा, 2 घंटे लगे। फिर मुझे लगा था पापा ने बोला था वहाँ ज़्यादा टाइम लगे, मुझे लगा 15-20 मिनट लगेंगे और 2 घंटे लगे। बोतल में भी भरा है बट आधी भी नहीं भरी बोतल तो है। ठीक है, आराम से जाना पर इस। हो गए हम फ्री और अब जा रहे हैं वापस घर। आज हम सुबह 10 बजे के निकले हैं। आज तो हमने ऐसी सरसों से तेल निकाला है ना कि बस घर वाले खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे हमारे से, क्योंकि हम सुबह 10 बजे के आए हैं और पूरा दिन तो क्या करना। इन्होंने ही बोला कि 2 बजे के लिए बोला था ना, नहीं 12 बजे के लिए, फिर लाइट चली गई, फिर जब फ़ोन किया फिर उसके बाद बोला 2-2.5 बजे आना, 3 बजे तो हम आ गए, बस अब 5 बज गए हैं ना, 5 बजे हम फ्री हो गए वहाँ से। इतना टाइम तो लगना ही था, पर मुझे तो डाउट, मुझे लगा था 10-15 मिनट में हो जाएगा फटाफट से, पर टाइम तो लगता है बड़ भारी। आपने क्या निम्बूस? हाँ नहीं, वैसे लंच भी किया था, लंच बुआ के घर में आज। वहाँ भी हम सडनली गए पर उनके भी कुछ मतलब कथा थी है ना, खाना बहुत टेस्टी था वहाँ पर। आजकल मैं दिन में ज़्यादा नहीं खाती हूँ खाना, पर फिर भी मैंने थोड़ा मन मार के थोड़ा सा जी, जहाँ मन तो ललचा रहा था यार, पर मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं खाया, भले ही मेरा मन ललचा रहा था पर मैंने ज़्यादा नहीं खाया, फिर भी मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया खुद को, कंट्रोल। अब चलते हैं घर और आज के व्लॉग में इतना ही। आज का व्लॉग छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि अब कुछ उस वहाँ धूल थी ना, धूल की वजह से सारे में धूल ही धूल लग गई है कपड़ों में, मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा धूल की वजह से। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपको वीडियो के बारे में बता रही थी ना आज कि मैंने वीडियो अपलोड करना था, वो वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं, मतलब 70% के बाद ना वो दोबारा बैक हो गया। अब मतलब अब मेरा मूड ख़राब हो गया था कि अब पूरा दिन हो गया मेरे को, मैं फिर से बोल रही हूँ इनको कि थोड़ा सा मुझे वाईफाई दे दो, मना कर रहा बोले तो सुबह भी ख़त्म कर दिया तूने, मेरा नेट ख़त्म हो जाएगा। मम्मी का भी मैंने उड़ा दिया, पापा ने वैसे ही अपना ख़त्म कर दिया होगा। तो उस वीडियो को मैं सुबह अपलोड करूँगी कल सुबह अब, तो इसलिए प्लीज़ बहुत क्या बोलते क्या करना पीऊँगी अभी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ मेहनत को थोड़ा सा क्या बोलते उसको मद्देनज़र रखते हुए है ना इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब तो ना ज़रूर किया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू, बाय।